वेवर्स, आप सबको रहमानपुर से मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा रहमत के साए में रखें। आज और रहमानपुर पे बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वाइट कढ़ाई। आइए झटपट से मज़ेदार से चिकन वाइट कढ़ाई तैयार करते हैं। जिन वेवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। आइए मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार करते हैं। व्यूअर्स, मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक गिलास बर्तन। बर्तन में ऐड करेंगे हम हाफ कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ के जी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 20 टेबल स्पून। जी व्यूअर्स, तकरीबन मैंने इनको 3 मिनट तक पकाया है, फ्राई किया अच्छे तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 अदद चॉप्ड सब्ज़ मिर्चें। इनको भी इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन मैंने 5 मिनट तक इनको फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। 1 ग्लास मैंने पूरा पानी लिया है जो मैं इसमें ऐड करूँगी, और लिड लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जी व्यूअर्स, तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब हम इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पाव दही, यानी कि 250 ग्राम दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी दही के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जो दही है ना उसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए, वरना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। जी व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर 1/2 टीस्पून और कोकोनट पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना आपको पसंद है। जी व्यूअर्स, इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून और भुना हुआ जीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जैसा जीवी तरीका पाउडर। इसको भी इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। जी व्यूअर्स, इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। 1/2 पैक मैंने क्रीम लिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ज्वेलरी कटिंग में अदरक और इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ओ मज़ेदार, इतने मज़े की चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है झटपट से। आप भी इसी तरीके से, इसी मेथड से अपने घर में मज़ेदार से चिकन वाइट कढ़ाई तैयार कीजिए और मज़ा कीजिए गर्मा गर्म रोटियों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको आफियत वाली ज़िंदगी अदा करें, दोनों जहाँ की ढेरों खुशियाँ अदा करें। अल्लाह ताला आप सब पे हमेशा रहमत की बारिश करें। मुझे भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी बहुत ही आसान और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।